मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जिस हिसाब से पीजी ऑनर वगैरह से बात की तो ये लोग काफ़ी सपोर्टिव लगे, और यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी अच्छी, जैसे वहाँ पे वर्धमान में क्लासेस चलती थी तो वाली बिल्डिंग काफ़ी जर्जर है, लेकिन यहाँ पे पूरी न्यू कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग काफ़ी है। खाने का यहाँ ऐसा माहौल है, यहाँ आप चखित वहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है अभी तो। तो वहाँ पे आप पीजी में रह रहे थे या फ्लैट में रह रहे थे? नहीं, अपना रूम लेके रहते थे। अच्छा, वहाँ के जो एक रेंट का प्रोसेस था, ब्रोकरिंग का प्रोसेस था, जो सुनने में आ रहा था बहुत ज़्यादा था, बच्चों को लूट रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो हाँ, वहाँ रूम जैसे था तो 2 BHK 16,000 तक मिल जाता था, 1 BHK 8,000 या 10,000 ऐसे था, और ब्रोकरेज चार्ज वहाँ ब्रोकर तो हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज तो पड़ती है बच्चों पे। यहाँ सर ने बताया हमारे यहाँ जो हमारे दृष्टि का फाउंडेशन बैच का बच्चा है वो आई कार्ड दिखाएगा तो यहाँ कहीं ब्रोकरेज नहीं पड़ेगी। और अभी रूम हमने देखे नहीं, यहाँ बात की है तो यहाँ सही है, यानी कि वहाँ से सस्ता आएगा। यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, जब नेहरू विहार में क्लासेस चलती थी तो अब यहाँ पे नोएडा में क्लासेस स्टार्ट होगी दिवाली से। मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जिस हिसाब से पीजी ऑनर वगैरह से बात की तो ये लोग काफ़ी सपोर्टिव लगे, और यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी अच्छी, जैसे वहाँ पे वर्धमान में क्लासेस चलती थी तो वाली बिल्डिंग काफ़ी जर्जर है, लेकिन यहाँ पे पूरी न्यू कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग काफ़ी है। खाने का यहाँ पे मेस भी है, पीजी वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, रूम अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट के बजट के अकॉर्डिंग रूम है, जैसे 6,000 में भी रूम है, 7 में भी, 8 में भी। देखा कोई रूम 6,000? हाँ, मैंने अभी अपने लिए, मैं यू वाला मुझे तो फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कॉलेज में ही आ गए, कॉलेज लाइफ। और सबसे अच्छी बात है कि लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, जो लाइब्रेरी अभी काम चल रहा है। एक तो लाइब्रेरी का रेंट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से रूम रेंट भी काफ़ी है। ठीक है यार, आप रूम रेंट ले रहे हो उससे आप डबल लो, लेकिन फैसिलिटी वहाँ पे उतनी नहीं मिलती, ऊपर से मतलब रूम में सीलन वाली दिक्कत है, ऊपर से ब्रोकरेज की ज़्यादा दिक्कत है, सिक्योरिटी वापस रिफंड नहीं होती। मेरे साथ भी यही दिक्कत हुई है सिक्योरिटी को लेकर, आज तक रिफंड नहीं, आज तक रिफंड। सीढ़ी वगैरह सब कुछ बनेगा यहीं पे। अभी ये पीजी के लिए हेल्प डेस्क वगैरह लगाया गया है और काम चल रही है यहाँ पे, अभी जल्द काम पूरा होगा। और फिर जैसे कि आपको बता दूँ कि एरिया काफ़ी शानदार है, जैसे कि वहाँ पे काफ़ी क्राउड हुआ करती थी, दिक्कतें होती थी, तो दृष्टि IAS अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी है सेक्टर 15 में, और काफ़ी शानदार है। क्लासेस वगैरह आप लोग देख सकते हैं, पार्किंग वगैरह के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी यहाँ पे बनेगी, ऊपर क्लासेस बनेगी। वेलकम टू नाइल अल्टीमेट, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 15 दृष्टि IAS पे आया हूँ। यहाँ पे नई बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, बन चुकी है लगभग 4-5 दिनों या 10 दिनों में यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारे साथ, इनसे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है, पहले क्या क्या समस्याएं थी। तो आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू। मैम, क्या माहौल है यहाँ पे आजकल? यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, जब नेहरू विहार में क्लासेस चलती थी तो अब यहाँ पे नोएडा में क्लासेस स्टार्ट होगी दिवाली से। तो यहाँ पे आपको क्या अलग लगा? यहाँ पे मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जिस हिसाब से पीजी ऑनर वगैरह से बात की तो ये लोग काफ़ी सपोर्टिव लगे, और यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी अच्छी, जैसे वहाँ पे वर्धमान में क्लासेस चलती थी तो वाली बिल्डिंग काफ़ी जर्जर है, लेकिन यहाँ पे पूरी न्यू कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है। और वहाँ बताओ, आप 4-5 दिक्कतें बताओ जो कि मुखर्जी नगर में आपको हुआ करती थी नेहरू विहार में। हाँ, वहाँ पे एक तो लाइब्रेरी का रेंट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से रूम रेंट भी काफ़ी है। ठीक है यार, आप रूम रेंट ले रहे हो उससे आप डबल लो, लेकिन फैसिलिटी वहाँ पे उतनी नहीं मिलती, ऊपर से मतलब रूम में सीलन वाली दिक्कत है, ऊपर से ब्रोकरेज की ज़्यादा दिक्कत है, सिक्योरिटी वापस रिफंड नहीं होती। मेरे साथ भी यही दिक्कत हुई है सिक्योरिटी को लेकर, आज तक रिफंड नहीं हुआ। नहीं, आज तक रिफंड नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपना 15 दिन तक नोटिस दे दिया था 15 दिन पहले। और यहाँ पे आपको अच्छा ही बताओ, क्या क्या अच्छा लग रहा है, 4-5 चीज़ें? हाँ, यहाँ की अच्छाई कि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ एकदम कैंपस के जैसा जैसे फीलिंग आ रही है, जैसे JNU DU वगैरह, DU वाला मुझे तो फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कॉलेज में ही आ गए, कॉलेज लाइफ। और सबसे अच्छी बात है यहाँ की लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, जो लाइब्रेरी अभी काम चल रहा है आप देख ही सकते हैं। बाकी आप लोग बने रहे वीडियो में, और भी इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। और अंदर का मतलब अभी कब से क्लासेस चल रहा है? दिवाली के बाद से विकास सर ने बोला है, फिर देखते हैं, वो काम के ऊपर डिपेंड है, जितना जल्दी काम होगा फिर उस हिसाब से क्लासेस स्टार्ट होगी। आप UPSC तैयारी करते हो कब से? मुझे 3 साल हो गया है। 3 साल अटेम्प्ट वगैरह दिया आपने अभी? अब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। इस बार आप देने जा रहे हो अटेम्प्ट? और बताओ यहाँ पे मतलब क्या, कैसे रूम वगैरह कितने मिल रहे, खाने का क्या क्या व्यवस्था है? रूम खाने का यहाँ पे मेस भी है, पीजी वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, रूम अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट के बजट के अकॉर्डिंग रूम है, जैसे 6,000 में भी रूम है, 7 में भी, 8 में भी। देखा कोई रूम 6,000? हाँ, मैंने अभी अपने लिए, मैं एक रूम देख के आ रही हूँ, तो मुझे अशोक नगर में एक रूम काफी अच्छा लगा है। कितने का था वो? 7,000 का। 7,000 का था, सेपरेट रूम। बाकी आप लोग देख सकते हैं, नए कैंपस की बात करें तो कैंपस वगैरह कैसे कैसे हैं,
काफ़ी शानदार ढंग से ये बनाया गया है। बाहर अभी हम लोग थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्प डेस्क वगैरह भी सब लगा हुआ है। यहाँ पे पीजी वगैरह के लिए बैठे हुए लोग सब, जो जिनको भी पीजी वगैरह चाहिए तो यहीं पे मतलब व्यवस्था की गई है। यहाँ आप लोग अगर आते हैं नोएडा सेक्टर 15 में, ये दृष्टि आईएएस है, यहाँ आप लोग बातचीत कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में भी और चीज़ों पर हम बात करेंगे। यहीं पर लाइब्रेरी शायद यहाँ पर बन रहा है। बाकी आप लोग कैंपस की बात करें तो कैंपस देख सकते हो कितने मतलब शानदार ढंग का कैंपस, यहाँ पर काफ़ी शानदार ढंग का कैंपस है। यहाँ पार्किंग वगैरह सब चीज़ आप लोग देख सकते हो। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि कैंपस दिखाऊंगा पूरा अंदर आकर के। हेलो सर। जी सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शिवम है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम यूपी से हैं। अच्छा, पहले आप कौन कहाँ पे कोचिंग ले रहे थे, करोल बाग या मुखर्जी नगर? नहीं, मैं मुखर्जी नगर नेहरू बिहार में था, तो मैंने आज यहाँ देखने आया हूँ। कोचिंग तो अच्छी है, वहाँ अपेक्षाकृत बहुत अच्छी है। तो वहाँ पहले गंदगी बहुत ज़्यादा थी, मतलब थी गंदगी वैसे, लेकिन यहाँ बहुत साफ सफाई है। अब देखो यहाँ रूम वूम का कैसा है इसको नहीं पता हमको, उसी चक्कर में तो आज आए थे हम लोग कि रूम वूम देख लें, फिर देखते जैसे प्रोसेस होगा उसी हिसाब से सेट होंगे हम लोग भी। तो आज आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे नोएडा सेक्टर 15 के अंदर विजिट करने के लिए आए? आज पहली बार आए, देखने आए थे कि कैसा माहौल है यहाँ। आप चखित वहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है अभी तो। तो वहाँ पे आप पीजी में रह रहे थे या फ्लैट में रह रहे थे? नहीं, नहीं, अपना रूम लेके रहते थे। अच्छा, वहाँ के जो एक रेंट का प्रोसेस था, ब्रोकरिंग का प्रोसेस था, जो सुनने में आ रहा था बहुत ज़्यादा था, बच्चों को लूट रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वहाँ रूम जैसे था तो 2 BHK 16,000 तक मिल जाता था, 1 BHK 8,000 या 10,000 ऐसे था, और ब्रोकर चार्ज 50% लेते थे। तो हम लोग से जैसे 15,000 का रूम लिए थे तो 7,000 ब्रोकर चार्ज लिए थे और 5,000 रुपये से उसी सिक्योरिटी जमा करवाए थे वो। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े शब्दों में अपन बोले तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो स्टूडेंट आते थे ना, उनके लिए वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक रेंट ज़्यादा था और फिर ब्रोकरिंग सिस्टम हो जा रहा था, तो उसके लिए काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी दिक्कत होती थी, फेस करनी पड़ रही थी। दिक्कत तो है ही है, लेकिन भी लोग रह रहे हैं, कोशिश करके जैसे घर से जो मिल रहा है उस हिसाब से अपना कर रहे हैं, और क्या कर ही सकते हैं, जरूरी मजबूरी है रहना, ये तो जरूरी था ही। तो वहाँ पे ब्रोकरिंग के अलावा क्या क्या आपको समस्या फेस करनी पड़ रही थी, कि आप थोड़ा बता सकते हैं बच्चों? जैसे ब्रोकरिंग के अलावा, जैसे पहले नंबर रूम तो मिल ही जाते थे, लेकिन भाई महंगा बहुत था। अब यहाँ का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसी चक्कर में आए, देखते हैं अगर मिलता है कैसा है तो उसी साथ पता करेगा, उसी हिसाब से करेंगे कि वहाँ शिफ्ट होना है कि यहीं रहना है, तो या थोड़ी दूर पे ले लेंगे रूम, अगर थोड़ा जहाँ सस्ता मिलेगा कोशिश करेंगे वहीं। कैसे हम लोग को बैच खत्म हो गया है, ऑप्शनल का करना है बस। तो अभी जैसे दृष्टि आईएएस एक मतलब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके लिए पीजी की व्यवस्था, जो पीजी वाले हैं ना ऑनर वगैरह सब वो अंदर बैठे हुए हैं इंक्वायरी के लिए, ये फैसिलिटी अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये कोचिंग के द्वारा ही प्रोवाइड करवाई जा रही है, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी अच्छा है, लेकिन जैसे अब वही चार्ज वाला डिपेंड है कि ज़्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, वो तो अभी हम पता नहीं किए, हम तो अभी आए, अभी अंदर भी नहीं गए। अगर ज़्यादा होगा तो दिक्कत है, कम है तो सही है, बहुत अच्छा है। तो सर की तरफ से भी जो सुविधा दी जाएगी तो अच्छी ही दी जाएगी, वैसे भी वो अच्छा करते हैं जो करते हैं सर, फिर भी आते रहते हैं हम लोग। मोटे मोटे शब्दों में बोले तो अब आपको कैसा लग रहा है कि दृष्टि कैंपस में खड़े होकर कैसा फील कर पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले के वहाँ से अपेक्षा तो देखने तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का इन्वायरमेंट भी दिख रहा है सही है। अब रहेंगे तभी समझ में आएगा कुछ दिन की। हाँ, वो बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू। अभी जैसा कि मैंने बताया कि हम दृष्टि के नए कैंपस नोएडा सेक्टर 15 के अंदर खड़े हैं, और कई एस्पिरेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए, और कुछ और अपने दोस्त मिले हैं जिनसे अपन ट्राई करेंगे जानने की कि क्या यहाँ पे किस टाइप का माहौल है, और क्या इनको फैसिलिटी मिल रही है, किस प्रकार की दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, सब इनसे जाने की ट्राई करेंगे। आइए, हमारे साथ बने रहिए। हेलो भाई। हेलो, कहाँ से हो आप? मैं यूपी से, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट। और आप? यूपी शाहजहाँपुर। यूपी शाहजहाँ। सब एक साथ ही हो? तो आप अब कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर पहले से कोचिंग कर रहे हैं? मेरा पहले से फाउंडेशन बैच है, वो नेहरू विहार कैंपस में चलता था। पहले आप कहाँ रहते थे, करोल बाग या नेहरू विहार? मैं नेहरू विहार में भाई परमानंद कॉलोनी में रहता था। और आप? हम आए हुए हैं ऐसे जस्ट इनके साथ आए, मतलब कि
विजिट करने के लिए, देखने के लिए कैसी कोचिंग है। अच्छा, कैसा लगा आज नोएडा सेक्टर 15 के अंदर आपके, कैसा लग रहा है? जैसे कि आप पहले नेहरू विहार उस एरिया में रहते थे, एरिया यहाँ का अच्छा है? अच्छा, थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह थी, यहाँ तो साफ सफाई है, लेकिन ये है अब रूम मिल जाए तो अच्छा है। तो अभी आज फर्स्ट डे, आज विजिट के फर्स्ट टाइम, मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पे दृष्टि के काफ़ी लोग विजिट कर रहे हैं, हम 15-20 दिन पहले आए थे तब भी लोग विजिट कर रहे थे, तब आपने विजिट नहीं किया था यहाँ पे? मैं पहली बार आया हूँ। तो वहाँ पे आप पीजी में रहते थे या फ्लैट में रहते थे? मेरा पीजी था लेकिन फ्लैट ही टाइप था, खाना वगैरह नहीं था और सारा सुविधाएं फिर पीजी वाली थी। तो वहाँ पे जो रेंट, जैसे बोलते हैं, मैं खुद ही मुखर्जी नगर के आसपास के एरिया में रहता हूँ और मैंने विजिट भी किया है काफ़ी बार, तो वहाँ पे बोलते हैं कि ब्रोकरिंग का सिस्टम बहुत गंदा है, कि मतलब लूटते हैं ब्रोकर वहाँ के, और वहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है, और कि मिडिल क्लास फैमिली, जैसे अमी रिच फैमिली के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं आती उनके लिए, अपन जैसे मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली के लिए बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही है बच्चों के लिए, क्योंकि 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार इतना रेंट है वहाँ का, और खाना भी पीजी के अंदर अच्छा नहीं मिल रहा। आप तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, वहाँ ब्रोकर तो हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज तो पढ़ती है बच्चों पे, यहाँ सर ने बताया हमारे यहाँ जो हमारे दृष्टि का फाउंडेशन बैच का बच्चा है वो आई कार्ड दिखाएगा तो यहाँ कहीं ब्रोकरेज नहीं पड़ेगी, और अभी रूम हमने देखे नहीं, यहाँ बात की है तो यहाँ सही है, यानी कि वहाँ से सस्ता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेबल्स वगैरह लगी है जिसके अंदर पीजी वाले सिस्टम लगा हुआ है, कि पीजी के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आए तो मैं मेरे कैमरा मैन को बोलने की ट्राई करूँगी दिखाए सब व्यूअर्स को कि किस प्रकार यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है विकास द्विकृति सर द्वारा, कि बच्चों को कोई दिक्कत फेस करनी ना पड़े। काफ़ी मतलब 10-15 पीजी वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, अलग अलग रेंट, अपनी अलग अलग फैसिलिटी सब उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, खाने के रिलेटेड सब बताई जा रही है कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, और बच्चे जाके विजिट भी करके आ रहे हैं, और ऐसे भी जैसा कि मेरे सुनने में आ रहा है यहाँ पे पीछे की साइड काफ़ी लाइब्रेरी बनी है, और एक लाइब्रेरी जिसका फीस बहुत कम है, 150-200 रुपये बताई जा रही है, आपने ऐसा सुना है क्या कुछ? हाँ, सुना तो है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह आए, उन्होंने यहाँ विजिट भी किया, देखा भी, तो उन्होंने बताया, तो माहौल तो यहाँ पर अच्छा है, पढ़ने वाला है, और साफ सफाई है बहुत, कैंपस भी हमारा बहुत अच्छा है, सुंदर है। अब रूम देखना है हमें बस। रूम तो जैसे कि बता रहे हैं कि दिवाली के बाद कोचिंग स्टार्ट होगी आपकी, तभी दिखाई जाएगा शायद, हो सकता है पहले भी दिखा दे आपको। तो यहाँ पे जैसे कि आप आसपास का एरिया देख रहे हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइब्रेरी बनेगी, तो लाइब्रेरी की किस प्रकार फैसिलिटी, देखो ऊपर की साइड से पूरा मतलब ये जो होता है सुविधा का मापदंड वो पूरा किया जा रहा है, यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी है, अभी पूरा काम स्टार्ट किया जा रहा है, अभी तो यहाँ पे सब लाइब्रेरी वाले बैठे हुए हैं, अभी 10-15 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लाइब्रेरी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी, जब आप क्लासेस स्टार्ट होगी तब पूरा का पूरा ये कैंपस है दृष्टि का अपना नया रूप ले लेगा एक, और उसी के साथ आप दिवाली के बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे, और भी अपने सब दोस्त हैं उनसे जाने की ट्राई करते हैं, क्या उनका कैसा लगा यहाँ पे आके नए कैंपस के अंदर, आपको कैसा लग रहा है दृष्टि के नए कैंपस में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब नया कुछ दिखा वहाँ से जहाँ ये भाई रहते हैं। दिल्ली से बाहर निकल के नोएडा में आए तो बहुत कुछ अलग लगा, वातावरण वगैरह, वहाँ की गंदगी, जो नेहरू यार का नाला था उससे छुटकारा मिल रहा है लोगों को। बहुत बढ़िया, वहाँ से अच्छा है। तो यहाँ पे क्या मतलब आपने पास आसपास देखा कुछ कि कितना है मेट्रो से दूर, कितना है? मेट्रो बिल्कुल चिपका हुआ है, मेट्रो बगल में है, बिल्कुल जस्ट पास में ही है मेट्रो, कोई दिक्कत विक्कत वाली है नहीं, जैसे कोई मतलब एक दो स्टेशन छोड़ के रहेगा तो उसको दिक्कत होगी नहीं वैसे? नहीं, पास ही में, अभी तो 100 मीटर है मुश्किल। बहुत सही, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।